नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सुतरिया। दोस्तों, हमारा शरीर आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल ये पंच तत्व से बना है, जिसमें वायु यानी वात, अग्नि यानी पित्त, जल यानी कफ, ये तीनों दोष संतुलित होने से शरीर स्वस्थ रहता है। हवा, पानी, भोजन, सूरज की रोशनी और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये पांच शरीर की मुख्य जरूरतें हैं। हमारे शरीर की अद्भुत संरचना की बात करें तो शरीर की मूल इकाई कोश है और इसमें 70% हिस्सा तरल पदार्थ यानी पानी का है और शरीर में 7% जितना रक्त है जो 4.7 से 5 लीटर होता है और ब्लड के भ्रमण के लिए कुल मिलाकर 96,540 किलोमीटर लंबी रक्त नलिकाएं होती है, जो पृथ्वी की चक्रीय लंबाई के अनुसार पृथ्वी की ढाई चक्र लगाने जितनी वो लंबी होती है। कंकाल यानि बोन के लिए भिन्न भिन्न मत है। मानव शरीर में कुल 213 हड्डी बताई है तो सुश्रुत संहिता में 300 हड्डियों का जिक्र है, चरक संहिता में 360 हड्डी का जिक्र है तो बायोसाइंस 200 हड्डियां बताता है। हमारे शरीर में कैल्शियम, कॉपर, लोहा, कार्बन, जिंक और फॉस्फोरस जैसे तत्वों के अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें भी होती है। टूट फूट की आपूर्ति के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, यूरिया एवं आयोडीन जैसे तत्वों का उपयोग शरीर करता है। शरीर के विकास के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, विटामिन्स, हॉर्मोन्स और वसा जैसे पोषक तत्वों और पाचन के लिए एसिड्स स्टोरेज होते हैं। हमारा शरीर इनमें से प्रत्येक तत्व को पृथ्वी और आकाश एवं विभिन्न दैनिक खाद्य पदार्थों से बनाता या संग्रहित करता है और भोजन पचाने के लिए शरीर में अग्नाशय यानि पैनक्रियाज होता है जो सुबह 8 बजे एक्टिव होता है और रात 8 बजे डीएक्टिव होता है यानि सो जाता है। इसलिए रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए। बचे हुए भोजन में से विभिन्न केमिकल तत्वों में परिवर्तित करके प्रत्येक को मेंटेन करने का काम लीवर करता है, इसलिए इसे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दौरान पूरे शरीर का तरल अपशिष्ट रक्त के माध्यम से दोनों किडनी में आता है। किडनी 4 मिनट प्रति 5 लीटर की दर से प्रतिदिन 1800 लीटर रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करती है, इसलिए इसे शरीर का सर्विस स्टेशन कहते हैं। नखूनों से लेकर बालों तक हमारे शरीर की मरम्मत, रखरखाव और रीजनरेट यानि नया बनाने के लिए हमारे शरीर में 7,50,000 स्टेम सेल्स होते हैं। ये सेल्स 20 से 25 mV मतलब मिलीवॉट के बने हैं और इसका पीएच देखे तो 7.35 से 7.45 होता है। ये स्टेम सेल्स अस्थि मज्जा में बनते हैं जो लीवर एवं फेफड़ों समेत हर ऑर्गन्स में होता है। शरीर की रीजनरेट सिस्टम को जो आप देखें तो छोटी आंत हर 2 से 4 घंटे में रीजनरेट होती है, फेफड़े और पेट हर 8 दिन में, त्वचा हर 15 दिन में, रक्त कोशिका हर 4 महीने में, वसा कोशिका हर 8 साल में और कंकाल यानी हड्डी हर 10 साल में पुनर्जीवित यानी रीजनरेट होते हैं। सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर में एक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज होता है जिससे शरीर एक्टिव रहता है और सूर्य की अनुपस्थिति में स्लीपिंग हॉर्मोन्स रिलीज होता है तो नींद आती है और इसमें रात के 12 से लेकर 2 बजे की गहरी नींद के दरमियान शरीर की मरम्मत होती है, इसलिए रात 11 से 3 बजे तक गहरी नींद जरूरी है।
शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद की जरूरत होती है। सोने का आदर्श समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का है। आयु अवस्था के अनुसार देखें तो 7 से 16 घंटे आराम के साथ नींद की अवधि देखें तो शिशु 12 से 16 घंटा सोता है और 1 से 2 साल का बच्चा 11 से 14 घंटा सोता है। 3 से 5 साल के लिए 10 से 13 घंटा, 6 से 13 साल के लिए 9 से 11 घंटा, 14 से 18 साल के लिए 8 से 10 घंटा और 18 साल के ऊपर की आयु वाले के लिए 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो हमारा शरीर में 78 ऑर्गन्स हैं। हमारे शरीर में 72,10,209 जितनी नाड़ी है। हमारे शरीर में लगभग 9,000 स्वाद कलिकाएं हैं। हमारे शरीर की विशालता और छोटेपन के लिए हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जिसके कारण हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। हमारे शरीर में प्रति 1 स्क्वायर इंच में 10,000 केशवाहिकाएं होती है। सुश्रुत संहिता में मानव शरीर में 900 मांसपेशियां यानी मसल्स और 700 नसें होने की बात बताई है। हमारे शरीर में स्नायु, ग्रंथि, चेता, कंकाल, पाचन, रक्त संचरण, उत्सर्जन, श्वसन और प्रजनन ये मिलकर 9 तंत्र काम करते हैं, जिसमें रक्त संचरण, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन और प्रजनन ये 5 शरीर की मुख्य क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में सांस लेने की क्रिया हर मिनट में 16 से 18 बार होती है। इस प्रकार हमने जो बताया वो प्रत्येक ऑर्गन्स और शरीर को संचालित करने के लिए 1400 ग्राम वजन का मस्तिष्क होता है। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।